हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ ईयर 2024 की ईयरली प्रेडिक्शन, और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा लिब्रा सैनस और लिब्रा मून साइन को। तो सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका तुला लगन है यानी लिब्रा सैनस है, तो ये वीडियो आपके ऊपर 90-95% ये प्रेडिक्शंस एप्लीकेबल होंगी। और ये वीडियो जो है ये ट्रांजिट के बेस के ऊपर है। आउटर प्लैनेट लाइक जुपिटर, सैटर्न, राहु, केतु, जो ये चार प्लैनेट्स हैं, इनका रोल एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा है, क्योंकि एक हाउस को क्रॉस करने में काफ़ी लंबा समय लगाते हैं। जैसे जुपिटर लगाते हैं 13 मंथ, और सैटर्न लगाते हैं 2.5 ईयर, और इसके बाद आप लगा लें राहु और केतु 18 मंथ स्टे इन वन हाउस। और राहु केतु ये मायावी प्लैनेट है, छलिया प्लैनेट है, एकदम से देते हैं, एकदम से लेते हैं, इज्जत भी बना देंगे, इज्जत बिगाड़ भी देंगे। शनि कार्मिक प्लैनेट है, कर्मों के हिसाब से फल देने वाला है, और गुरु जो है वो एक्सपेंशन ग्रोथ है। लेकिन मैं इस वीडियो में लिब्रा सैंडस और लिब्रा मून साइन को कवर करूंगा। तो अगर आपका लिब्रा सैंडस है तो 95% प्रेडिक्शन आपके ऊपर है, एप्लीकेबल होगी। और अगर आपका लिब्रा मून साइन है तो ये प्रेडिक्शन आपके ऊपर 55-60% एप्लीकेबल होगी। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट क्वार्टर 1st January to 31st of March, सेकंड क्वार्टर 1st April to 30th June, थर्ड क्वार्टर 1st July to 30th September, एंड फोर्थ क्वार्टर 1st October 2024 to 31st December 2024। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं ईयरली प्रेडिक्शन फॉर लिब्रा सैनस एंड मून साइन फॉर 2024। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेजर प्लैनेट्स के डायनामिक्स के बारे में बताऊंगा। देखिए, गुरु महाराज जुपिटर इज ट्रांजिट इन योर 7th हाउस इन एरी साइन फ्रॉम 1st January 2024 to 1st May 2024। And after 1st May 2024, Jupiter enter in your 8th house till end of the year, till 31st of December 2024. And Saturn transit in your 5th house in Aquarius sign, on sign, this whole year Saturn transit in your 5th house. Rahu transit in your 6th house, which is very good placement of the Rahu. And Ketu transit in your 12th house. So, सबसे पहले बात शुरू करेंगे first quarter की। और मेरी ये prediction में इन चार planets के अलावा Venus की भी ट्रांजिट को दिमाग में रख के वीडियो बनाया गया है। तो 1st जनवरी 2024 से लेके 31st ऑफ मार्च 2024 तक का जो पीरियड है लिब्रा सैनस और लिब्रा मून साइन आपके लिए, ये एक अल्टीमेट टाइम रहेगा। इसमें हेल्थ आपकी बड़ी पॉजिटिव रहेगी। अगर हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2024 में रिजॉल्व हो जाएंगी, आपको समाधान मिलेगा। आपके शरीर से संबंधित, फिजिकली डिजीज से संबंधित कोई ऐसी प्रॉब्लम अगर चल रही थी जो आपको परेशान कर रही थी, तो उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे और आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे अपनी हेल्थ के प्रति। कॉन्फिडेंस लेवल फर्स्ट क्वार्टर में स्काई हाई रहेगा, विल पावर स्काई हाई रहेगी, कम्युनिकेशंस आपकी बड़ी जबरदस्त होने वाली है। देखिए, 17 जनवरी तक ना शुक्र जो है वो आपके सेकंड हाउस में रहेंगे, तो द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज वेरी वेरी वंडरफुल फॉर यू। यू विल बाय न्यू गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, योर सेविंग्स विल राइज, योर फाइनेंस विल बी अल्टीमेट, कैश फ्लो विल मेक यू हैप्पी। आफ्टर 17th January, वीनस एंटर योर 3rd हाउस इन सेजिटेरियस साइन। The sign is Sagittarius, Venus is not comfortable, but 3rd house Venus is a comfortable. So in 3rd house you will get good news through communication. 1st quarter is a biggest game changer time. You will get good support from your siblings, you will get good support from your friend circle, your confidence level will be sky high, your efforts will convert in sweet success. 1st January to 31st of March 2024, this will be a highly productive and beneficial time for you. If you're willing to switch off your job, this is a very good time. If you're willing to start any new venture with someone in partnership, then very good time. Your relationship with the spouse will be better side. You will enjoy harmonious time. You will spend wonderful time with a loved one or your spouse. If you're single, you may in a relationship. If you're already in affair, your affair will convert in marriage. In first 90 days of year 2024 is the biggest game changer time for you. You will earn money from multiple source of funding from 10th February 2024 to 31st March 2024. You will earn money from multiple source of funding. Your health, wealth will be ultimate. You will enjoy comforts, good gain. Financial activities will be excellent. Cash flow will make you happy. There is a strong chances for promotion. आपकी promotion हो सकती है, increment मिल सकता है, या आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है first quarter में। पैसे की कोई कमी नहीं है,
पैसा छप्पड़ फाड़ के आपके पास पहले 90 दिनों में आने वाला है। लेकिन स्टॉक मार्केट से इस साल बच के रहना है लिब्रा। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करनी है। अगर आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में प्लैनेट की किसी अच्छे प्लैनेट की महादशा चल रही है, किसी रेनाउंड एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लिए बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि शनि देव का गोचर इस सारा साल आपके पंचम भाव में होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल रहेगा। अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, आप न्यूली मैरिड हैं, आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो भी शनि का गोचर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम डालेगा। क्रिएटिविटी से आपको इतना ज्यादा फल, इतना ज्यादा मैजिक फर्स्ट क्वार्टर में देखने को नहीं मिलेगा। पहले 3 महीने, पहले 90 डेज पैसा अच्छा है, रोग ऋण शत्रु से छुटकारा है। अगर कोई फिजिकली प्रॉब्लम है उसमें राहत आपको मिलेगी। हाई अथॉरिटी से आपको कुछ लोन मिल सकता है, हाई अथॉरिटी आपको सपोर्ट कर सकती है। दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल टाइम फॉर यू इन द टर्म्स ऑफ सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट साइड। इफ यू विलिंग टू स्टार्ट एनी बिग वेंचर, यू विल एंजॉय कम्फर्ट्स। इफ यू विलिंग टू डू समथिंग गुड, देन दिस टाइम इज वेरी प्रोडक्टिव। यू जस्ट नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट लिब्रा। दिस इज योर गोल्डन ईयर, बिकॉज दिस ईयर जुपिटर ट्रांजिट इन योर 7th हाउस टिल 1st मई, एंड आफ्टर 1st मई जुपिटर एंटर इन योर 8th हाउस एंड क्रिएट अ विपरीत राजयोग। एंड विपरीत राजयोग इज अ वेरी पावरफुल राजयोग। सो फर्स्ट 3 मंथ इज अ वेरी प्रोडक्टिव एंड बेनिफिशियरी फॉर यू, बिकॉज द वीनस ट्रांजिट इन योर स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न। एंड फ्रॉम 10th फरवरी टू 31st ऑफ मार्च 2024 आपको नई गाड़ी बाय कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई गाड़ी है छोटी है तो आप बड़ी ले लेंगे, अगर बड़ी है तो उससे भी बड़ी ले लेंगे। स्टेटस राइज होगा आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल इस्टेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या कोई नया वीला या घर अपने लिए नया अपार्टमेंट बाय कर सकते हैं, या अपने घर में रेनोवेशन करा सकते हैं। डेट होगी 10th फरवरी 2024 टू 31st ऑफ मार्च 2024। दिस होल टाइम यू विल डेफिनेटली स्पेंड यूर मनी ऑन रेनोवेशन एट योर होम, और यू मे इन्वेस्ट योर मनी इन रियल इस्टेट, यू मे बाय न्यू लैंड और न्यू प्रॉपर्टी, एंड यू विल डेफिनेटली बाय न्यू व्हीकल। आप इस समय में ना मेंटल पीस बड़ा अच्छा एंजॉय करने वाले लिब्रा, दिमाग आपका बड़ा ही ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, आपके रिसोर्सेज बड़े अच्छे डेवलप होंगे, सीनियर आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई रहेंगे। फर्स्ट 90 डेज इज द बिगेस्ट गेम चेंजर टाइम फॉर यू, व्हेन यू विल गेट गुड बिजनेस फ्रॉम मार्केट। इफ यू आर बैंकिंग लाइन, इंश्योरेंस लाइन, और इफ यू आर सेलिंग एनी प्रोडक्ट थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीस, देन फर्स्ट क्वार्टर इज अल्टीमेट फॉर यू, व्हेन यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट। एंड यू विल गेट गुड सपोर्ट फ्रॉम स्पाउस, you will get good support from your in-laws, even you will get good support from your elders at your home. This 90 days will be like a game changer time for you, even you are not expected, all these good events will happens with you. Aapko khud ko is cheez ka ehsaas hoga ki year 2024 ka jo arambh hai aapke liye bada acha hai. लेकिन अगर आपके ऊपर दशा अच्छी चल रही है, शुक्र की दशा या राहु की दशा है, तो ये ईयर आपके लिए गोल्डन साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मरकरी की दशा है तो भी अच्छा होगा, अगर शनि की दशा है तो एफर्ट हार्डवर्क बड़े करने पड़ेंगे, लेकिन रिजल्ट माशाल्लाह बड़े अच्छे मिलेंगे। भगवान शिव की अपार कृपा लिब्रा आपके ऊपर इस ईयर में रहने वाली है। व्हेन यू विल मेट नेम फेम प्रॉस्पेरिटी एंड गुड फॉर्चून स्टार्टेड स्माइल फॉर यू। यू आर वेरी लकी इन द ईयर ऑफ 2024, स्पेशली फर्स्ट क्वार्टर एंड सेकेंड क्वार्टर। अब मैं बात करूंगा सेकंड क्वार्टर की, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1st अप्रैल से लेकर 30th जून 2024 तक। देखिए, अप्रैल का महीना आपके लिए अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। स्टॉक मार्केट से आपको बेनिफिट होंगे, हेल्थ वेल्थ अच्छी रहेगी, मॉनेटरी टर्म्स आपके बड़े अच्छे हो जाएंगे, हर एक तरह से आपको उपलब्धियां मिलेंगी। यहाँ पे आपकी कोई रुकी हुई इन्वेस्टमेंट अप्रैल मंथ में आपको रिटर्न मिलेगी, काफी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश अप्रैल में नहीं करना, पेशेंस से चलना। अगर किसी के साथ लेन है देन है तो हाथ जोड़कर बात करनी, इज्जत से बात करनी है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हो जाएंगे तो आपकी चीजें खराब रहेंगी। थोड़ा सा हम्बल और डाउन टू अर्थ अगर आप होके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंथ ऑफ अप्रैल अनएक्सपेक्टेड मनी विल नॉक यू, मंथ ऑफ अप्रैल सम बिग मनी विल नॉक यू, सम बिग ऑर्डर विल मेक यू हैप्पी। इफ यू आर बिजनेसमैन, इफ यू आर एनी टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर, यू विल डेफिनेटली गेट बिग ऑर्डर। देखिए, 1st मई से लेकर 30th जून तक एक डायनेमिक चेंज होगा, वो है जुपिटर आपके 8th हाउस में जाएंगे, दृष्टियां होंगी 12th हाउस पे, 2nd में और 4th में। यहाँ पे फिर से 1st मई से 30th जून के बीच आप कोई व्हीकल बाय करने के योग, आपके चांसेस फिर से ब्राइट हो जाएंगे। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, घर को रेनोवेट आप करेंगे, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी हो जाएगी। विपरीत राजयोग बनने की वजह से आपको शुभ फलों की प्राप्ति सेकेंड क्वार्टर में होगी, खास करके 1st मई से लेकर 30th जून तक का जो पीरियड है,
you will be on next level. Your whole game will be changed and you will enjoy comforts, name, fame, prosperity and good fortune start to smile for you. Your health will be wonderful. Your confidence level will be sky high. You will be on next level. You will get good support from your siblings, from your family, from your spouse, from your near and dear ones. This whole time, first six months will be a biggest game changer for you. If you're willing to apply your work visa in foreign land, then first 6 months is a very rewarding, especially 1st April to 30th June is a very powerful time for you. If you're willing to invest your money in foreign land, then 1st April to 30th June is very positive time for you. If you migrate yourself or you apply PR, then 2nd quarter is a very rewarding. Or if you already apply your PR, then you will get good news from 1st April to 30th June 2024. अगर आप विदेश में हैं, आप foreign passport apply कर रहे हैं, या green card apply कर रहे हैं, तो भी 1st April से लेके 30th June का समय ना आपके लिए भाई साहब ultimate रहने वाला है. इस समय में आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा. इस समय में आपको हर एक तरह से गुड फाइनेंशियल गेन्स भी होंगे, इज्जत में इजाफा होगा, स्टेटस राइज होगा. सेकेंड क्वार्टर आपके स्टेटस को राइज करेगा, फर्स्ट क्वार्टर आपके बेस को बनाएगा, अर्निंग्स को बढ़ाएगा, सेकेंड क्वार्टर आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, सैलरी राइज, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, इवन पहले 6 महीने आपके लिए जबरदस्त तरक्की के समय आने वाला है. अब बात करते हैं 3rd क्वार्टर की. 1st जुलाई से लेकर 30th सितंबर का पीरियड ये थोड़ा सा स्लो डाउन रहने वाला है. इसमें यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें. स्किन ट्रबल आपको हो सकती है, बैक बोन में प्रॉब्लम आपको हो सकती है, हड्डियों में थोड़ा सा कमजोरी आपको दिखेगी, या नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ सकती है. नीड टू बी केयरफुल अबाउट हेल्थ, किसी किस्म की इग्नोरेंस अपनी हेल्थ के प्रति ना दिखाएं. लिब्रा 3rd क्वार्टर में किसी किस्म की जल्दबाजी ना दिखाएं, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान देकर चलें. हेल्थ में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें हमें इग्नोरेंट नहीं बनना, नियरेस्ट डॉक्टर से जल्दी कंसल्ट करना. इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना, अपने बड़े बुजुर्गों की एडवाइस लिए बिना, या आपके घर में अगर कोई बिजनेसमैन है, इन्वेस्टर है, उनकी एडवाइस लिए बिना कोई गलत स्टेप नहीं उठाना. या जल्दबाजी में आप कोई गलत डिसीजन 3rd क्वार्टर ऑफ द ईयर 2024 में ले सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है. 3rd क्वार्टर आपकी हेल्थ को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर अच्छा ना होगा. एक्सपेंसेस आपके स्काई हाई रहेंगे, एक्सपेंडिचर्स आपके पीक पे रहेंगे, बच्चों के साथ रिश्ते आपके खराब होंगे. 3rd क्वार्टर में बच्चे आपसे कुछ जिद कर सकते हैं, कोई डिमांड कर सकते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी. 3rd क्वार्टर आपके लिए मेंटल स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एफर्ट्स लेकर आ रहा है, लेकिन स्मॉल स्मॉल गेन्स 3rd क्वार्टर में होते रहेंगे. पहले 6 महीने इतना पैसा आपके पास आएगा कि 3rd क्वार्टर की स्ट्रगल को आप भूल जाएंगे. बट ओवरऑल 3rd क्वार्टर में कोई गलत डिसीजन आपने नहीं लेना, फॉरन पीआर अप्लाई नहीं करनी, फॉरन में कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी, कोई फॉल्स कमिटमेंट किसी के साथ नहीं करनी. इस सारा साल आपका एक थंबनेल, एक रूल होना चाहिए कि प्राण जाए पर वचन ना जाए. आपने जो किसी को कमिटमेंट कर दी है, यू शुड डिलीवर, यू शुड बी ऑन योर टाइम. आपको अपने टाइम की कदर करनी चाहिए. और अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो 3rd क्वार्टर भी बड़ा इजीली निकल जाएगा, लेकिन फाइनेंस को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है 3rd क्वार्टर में, कि आप किसी की बातों में ना आए, किसी के कहने पे पैसे ना लगाएं. ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ स्ट्रगल लेकर आएगा, मेंटल स्ट्रेस, टेंशन और हार्डवर्क लेकर आएगा व्हेन यू आर नॉट इन ए कम्फर्ट जोन. बट इनकम के रास्ते बने रहेंगे, लेकिन उस इनकम में बरकत 3rd क्वार्टर में नहीं होगी. अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, घर में बड़े बुजुर्गों की हेल्थ का ध्यान रखें, अपने इन्वेस्टमेंट्स का ध्यान रखें, तो आपके लिए टाइम अच्छा है. अदरवाइज ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा हैसल्स लेकर आएगा, स्ट्रगल लेकर आएगा, एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन लेकर आएगा. यू नीड टू बी केयरफुल लिब्रा इन 3rd क्वार्टर. कोई मेजर डिसीजन ना लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें 3rd क्वार्टर में. बट इस सारा साल आपको स्पाउस से बड़ी अच्छी सपोर्ट, इन लॉज से बड़ी अच्छी सपोर्ट मिलेगी. आपके खुद के पेरेंट्स आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट करेंगे, कुटुंब के साथ रह के कार्य करेंगे, तो धन लाभ होगा, इज्जत में इजाफा होगा, वो गलत डिसीजन नहीं लेंगे. 4th क्वार्टर 1st अक्टूबर से लेके 31st दिसंबर तक का जो टाइम है, देखिए इसमें जो 4th क्वार्टर का जो 1st मंथ है उसमें आपने थोड़ा सा अलर्ट और केयरफुल होकर चलना है. इस समय में भी आपकी हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, या किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें. कोई स्ट्रेंजर या कोई ऐसा नियर डियर या कुछ आपका क्लोज वन या कोई स्ट्रेंजर, कोई ऐसा बंदा जिसके साथ हेलो आए, ज्यादा जान पहचान नहीं, वो आपको चीट कर सकता है, या आपको कोई नियर डियर आपको चीट कर सकता है. बहुत केयरफुल आपने अक्टूबर 2024 में लिब्रा होके चलना है. अक्टूबर 2024 विल ब्रिंग सम अनबैलेंसिंग सिचुएशन. ट्रस्ट नहीं दिखाना किसी पे 3rd क्वार्टर से लेकर, यानी कि 1st जुलाई से लेकर 30th अक्टूबर तक. डोंट शो यूर ट्रस्ट ऑन एनीवन.
डॉक्यूमेंट्स को साइन कर रहे हैं, एक्सपर्ट से एडवाइस लेके साइन करें, चार बार रीड करके साइन करें, टाइम लेके साइन करें, जल्दबाजी लिब्रा अपने बिल्कुल नहीं करनी। इस सारे समय में अक्टूबर 2024 आपके लिए कुछ स्ट्रगल, रेसल्स और डिलेज लेकर आएगा, लेकिन घबराना नहीं है। 1 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक आपकी पूरी गेम चेंज होगी। आपके जो पेंडिंग वर्क है वो इजीली क्लिक होंगे, हेल्थ आपकी फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा, ड्राइव आपकी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आप गेन करेंगे, सपोर्ट आपको मिलेगी, गुड फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलेगी, फौरन से भी अच्छी डील आपकी हो सकती है, फौरन से भी कम्युनिकेशन के थ्रू गुड न्यूज आपको मिल सकती है, और यू विल गेट वंडरफुल बिजनेस फ्रॉम यू नो इन फॉरन लैंड, और इफ यू विलिंग टू अप्लाई एनी लोन फ्रॉम गवर्नमेंट साइड यू विल गेट लोन। फोर्थ क्वार्टर के जो दो महीने, आखिर के दो महीने, आपका स्टेटस राइज होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। ये सारा टाइम फ्रेम लिब्रा आपके लिए नेक्स्ट लेवल है, आपको एफर्ट्स करना है सारा साल। ये सारा साल 90% पॉजिटिव इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन ये सारा साल अगर थर्ड क्वार्टर को छोड़ दिया जाए या मंथ ऑफ अक्टूबर को छोड़ दिया जाए तो बहुत पॉजिटिव इवेंट, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपको पहले 6 महीने में और आखिर के 2 महीने में मिलेंगी। अब क्या रेमेडी और क्या चैंटिंग आपने करनी है, मैं आपको वो बताने वाला हूं। हर रोज सुबह आपने 25 से 45 मिनट तक मेडिटेशन जरूर करनी है। ट्राई टू वेक अप अर्ली मॉर्निंग एंड मस्ट डू सम मेडिटेशन। रेमेडी नंबर 2, दुर्गा माता के आगे, शेरावाली माता के आगे, भगवती माता के आगे देसी घी की जोत जगानी है सारा साल। हर रोज सुबह आफ्टर टेकिंग अ शावर फॉर ब्रेकफास्ट दुर्गा सप्तशी का पाठ करना है 3 बार 5 बार या 7 बार एवरीडे मॉर्निंग। दुर्गा सप्तशी का पाठ करेंगे, मेंटल पीस रहेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ी रहेगी। इस साल रोग ऋण शत्रु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। राहु छठे भाव में है, एक्सीलेंट पोजीशन ऑफ द राहु, कोर्ट कचहरी से आप विन कर जाएंगे, लीगल मैटर्स में आप परेशान नहीं होंगे, अगर कुछ चल रहे थे वो रिसॉल्व होंगे, टेंशनों से आप बाहर निकलेंगे, बाहर कर्जों से छुटकारा मिलेगा। रेमेडी नंबर 3 आपके लिए, हर रोज रात को काली चालीसा सुनना है 3 बार 5 बार या 7 बार या उच्चारण करना है। रेमेडी नंबर 4, मोतीचूर के लड्डू, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू, आई रिपीट दिस, मोटी बूंदी के मोतीचूर के लड्डू आपने 1.25 किलो लेकर वेडनेसडे नाइट या सैटरडे नाइट को कोशिश करें हफ्ते में 2 बार सारा साल 2024 में काली माता को भोग लगाए। मिराकल्स होंगे आपके साथ, वहां बैठकर आप थोड़ा सा वर्शिप करें, काली चालीसा सुने या पढ़े, घर में सुने, मंदिर में बैठ के सुने या पढ़े, यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। काली माता के भक्त बने इस साल, चमत्कार ही चमत्कार होंगे। लेकिन किस चीज में आपने इस साल अलर्ट होकर चलना है, इस साल स्ट्रेंजर्स पे ट्रस्ट नहीं करना, इस साल जल्दबाजी में कोई स्टेप नहीं उठाना, इस साल आपने बेबी प्लान करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करके करें। अगर आप IVF प्लान कर रहे हैं या आप कुछ ट्रीटमेंट के थ्रू बेबी प्लान कर रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छी सक्सेस नहीं मिलेगी। बट ओवरऑल राहु 6th हाउस में है, बृहस्पति का 1 मई के बाद विपरीत राजयोग बनेगा, फाइनेंस की, सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई कमी नहीं, हेल्थ बहुत पॉजिटिव है। थर्ड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 अक्टूबर, इवन ये 4 महीने, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर का 1 महीना अक्टूबर का, इसमें आपने बहुत अवेयर होकर चलना है अपनी हेल्थ के प्रति, अपने बड़े बुजुर्गों की हेल्थ के प्रति, अपने फाइनेंस के प्रति, अपने सेविंग्स के प्रति। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग 4 महीनों में प्लान नहीं करनी, पहले 6 महीनों में प्लान करें, आखिर के 2 महीनों में करें, अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे। मनी मैटर्स विल बी एक्सीलेंट इन फर्स्ट 6 मंथ। प्रमोशन चाहते हैं, इंक्रीमेंट चाहते हैं, जॉब स्विच ऑफ करना चाहते हैं, पहले 6 महीने आखिर के 2 महीने बहुत अच्छे हैं। ये सारा साल आपके लिए किसी चमत्कार वरदान से कम नहीं है। गुरु 7th भाव में, हालांकि गुरु आपके लिए योग कारक नहीं है, लेकिन 1 जनवरी से 1 मई तक 7th भाव में, क्योंकि ये एनर्जी पॉजिटिव है। आपके लगन के हिसाब से जो हाउसेज 3rd और 6th मिले हैं, दैट इज नॉट अ गुड हाउस फॉर जुपिटर, बट जुपिटर एनर्जी इज पॉजिटिव, तो आपके लिए 7th भाव में जुपिटर आपके बिखरे हुए रिश्तों को जोड़ेगा, स्पाउस के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग को और ज्यादा बढ़ाएगा। 1 मई के बाद जैसे बृहस्पति 8th हाउस में जाएंगे, विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, देन यू विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल। सडन फाइनेंशियल गेन्स आर देयर, मॉनेटरी टाई अप्स विल बी बेटर, एंड सम लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस अर्निंग विल बी प्रूफ बेनिफिशियल फॉर यू। बट थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट जर्नीज, ट्राई टू अवॉइड द जर्नीज, ट्राई टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। बट ओवरऑल 8 मंथ ऑफ द ईयर 2024, फर्स्ट 6 मंथ एंड लास्ट 2 मंथ विल बी अल्टीमेट फॉर यू।
कुछ नया करना चाहते हैं पहले 6 महीने आखिर के 2 महीनों में करें। घर की रेनोवेशन पक्की है लेकिन वो भी सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर या आखिर के 2 महीनों में कर लेंगे तो ज्यादा शुभ रहेगा। सेकंड क्वार्टर और आखिर के 2 महीने 6 महीने रेनोवेशन के लिए प्रॉपर्टी व्हीकल बाय के लिए अल्टीमेट स्टेटस इस साल राइज होगा। लोग आपको सलूट मारेंगे, आपकी बले बले होगी, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे और बड़े लाहेमंद रिजल्ट्स, बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको यहाँ इस साल में मिलेंगे। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विशिंग यू आर मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर 2024। एंड फ्रॉम टीम अमित कपूर, आप सबको भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे, मान इज्जत शोहरत 2024 में आपको मिले, इवन मैनी मोर ईयर्स आपको हर एक चीज मिले जो आप डिजर्व करते हो, जो आपकी डिजायर है वो फुलफिल हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज है आपके ऊपर माता पिता का साया हमेशा बना रहे। इन्हीं सब दुआओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन 2024। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।